अमीर ननद की गरीब भाभी। रीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, लेकिन उसकी भाभी शिवानी एक बड़े घर की बेटी। शिवानी की शादी अभिषेक से लव मैरिज थी। अरे भाभी, ये कितना अच्छा सूट पहना है आपने, काश ऐसा मैं भी पहन पाती। अरे क्यों नहीं रीना, वैसे भी तुम्हारा और मेरा नाम तो एक ही है, जब मन करे पहन लेना। भाभी, आपको आपके पापा ने कितने अच्छे कपड़े गहने दिए हैं। मैं उनकी इकलौती बेटी जो हूँ। बेटी तो मैं भी इकलौती हूँ, लेकिन क्या करे, पापा है नहीं, पता नहीं कैसे होगी मेरी शादी। तभी वहाँ शिवानी की सास आ जाती है। अरे क्यों नहीं करेगा भाई तेरी शादी धूमधाम से, आखिर जिम्मेदारी है तो उसकी। और वो दिन भी आ जाता है जब रीना की शादी तय हो जाती है। अभिषेक, क्या हुआ, आप इतने परेशान तो कभी नहीं दिखे, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे शिवानी, वैसे तो शादी का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन गहनों का रेट तो आसमान छू रहा है, कैसे क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर में शिवानी अपने पूरे गहने अभिषेक के सामने रख देती है। ये लीजिए, गहनों का इंतजाम भी हो गया। अरे नहीं नहीं शिवानी, मैं ये गहने किसी हालत में भी नहीं ले सकता, ये तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था, और तुम हो कि। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे तो क्या हुआ, इसकी तो हो गई ना शादी, अब किसे दिखाने हैं इसने गहने। सास गहनों का डिब्बा शिवानी के हाथ से लेकर वहाँ से चली जाती है। रीना की शादी धूमधाम से होती है और अब वो बड़े घर की बहू बन जाती है। वहीं रीना की शादी के बाद शिवानी और अभिषेक उसकी शादी के कर्जों से डूब जाते हैं। मैं सोच रही हूँ नौकरी करनी शुरू कर दूँ, वैसे भी पढ़ी लिखी हूँ, आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। वैसे शिवानी, कुछ दिन कर लो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ज़रूरत भी है। अब शिवानी भी नौकरी करने लगती है और घर खर्चे में अभिषेक का हाथ बटाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, कह रही थी कि आने वाले त्योहार में उसके ससुराल जाना है। ठीक है माँ। अरे ठीक तो है, लेकिन एक काम कर लेना, उसके सास ससुर से लेकर पूरे खानदान के कपड़े मिठाइयाँ सब ले आना, और हो सके तो रीना के लिए छोटे से कान में पहनने के बूंदे भी। और क्या है ना, शादी में उसे सारी बड़ी बड़ी कान की ज्वेलरी दी थी, घर में पहनने के लिए तो उसके पास कुछ भी नहीं है। शिवानी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, क्योंकि कर्जों और घर के खर्चों के बाद तो पैसे बचते ही नहीं थे। शिवानी फिर अपने पिता को फोन करती है और उनसे पैसे मांगती है। देखो शिवानी, मैंने तुम्हें शादी के वक्त ही मना किया था कि ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अरे अभिषेक को शर्म आनी चाहिए जो ससुराल से पैसे मंगवा रहा है। शिवानी को पिता की बात पर गुस्सा आ जाता है। आप मेरे पिताजी हैं और मैं परेशान थी इसलिए आपसे मदद की उम्मीद की पापा, अभिषेक को तो पता भी नहीं है कि मैंने आपसे पैसे मांगे हैं। शिवानी सोचती है कि वो अभिषेक से बात करे, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो टेंशन ले लेगा। तभी शिवानी की नज़र हाथ के कंगन पर पड़ती है, सीधे बाजार जाती है और उसे बेचकर ननद के घर ले जाने का सारा सामान लेकर आती है और सास के सामने रख देती है। हाँ ठीक है, लेकिन फल थोड़े और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए थे। शिवानी कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। एक दिन शिवानी, रीना का फोन आया था, बहुत रो रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना उसके ससुराल में। अरे तूने तो उसकी नाक ही कटवा दी। अब मैंने क्या कर दिया माँ। कह रही थी कि बड़े घर की बहू है भाभी, जो कपड़े दिए वो ब्रांडेड भी नहीं थे, तू तो जानती है ना उन लोगों का पहनावा कितना अच्छा है, तू तो मेरी बेटी का भला कभी सोचती नहीं। हाय भगवान, अरे बड़े घर की बहू है, इसी बात की जलन है ना तुझे, लेकिन याद रख, मेरी बेटी का सोचने के लिए भगवान है, तुम लोग कभी उसका बुरा नहीं कर पाओगे। अब शिवानी के मन में सवाल था कि क्या ईश्वर
सिर्फ रीना के साथ है, उसके साथ नहीं। लेकिन उसे सुकून था कि वो अभिषेक के साथ उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में बराबरी की हकदार है। शिवानी वहां से चली जाती है। वो सास से कुछ नहीं कहती, क्योंकि अमीर घर की बहू बनकर रीना को भले ही सुकून ना हो, लेकिन गरीब घर की बहू बनकर शिवानी खुश है, क्योंकि खुशी पैसों से नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है।